सीएम योगी ने बुलंदशहर के गुलावटी में आयोजित जनसभा में बोले कि पहली बार महामारी में चुनाव आयोजित हो रहा है और हम एक साथ जुड़े हैं। हमें मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए। मोदी ने महामारी के दौरान प्रतिबद्धता के साथ आमजन को रोजगार दिया, फ्री में वैक्सीन दी है। आप लोगों ने कोविड की दोनों डोज लेकर देश को कोविड की तीसरी लहर से बचाया है। डबल इंजन की सरकार ने अपना पूरा प्रयास किया, लोगों के जीवन की रक्षा की है। कुछ लोगों ने वैक्सीन को लेकर दुष्प्रचार किया, कहा मोदी योगी वैक्सीन है, लेकिन फिर भी जनता ने वैक्सीन ली। एक सच्चे कार्यकर्ता का यही भाव है। पहले बेटियां सुरक्षित, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, अब जो जोड़ी आई है यह पहले भी बन चुकी है। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे में दो जाट की हत्या हुई थी और लखनऊ वाला लड़का जाट को मारने वाले दंगाइयों को इनाम दे रहा था और दिल्ली वाला लड़का भी दंगाइयों का बचाव कर रहा था। इस बार भी माल पुराना सड़ा हुआ है लेकिन लिफाफा नया है। कयामत के दिन तक इनका सपना साकार नहीं होगा। 10 मार्च के बाद इनकी गर्मी शांत करा देंगे। पिछली सरकार तमंचे की फैक्ट्री चलाती थी, जेवर का एयरपोर्ट और फिल्म सिटी लाखों लोगों को रोजगार देगा। जनपद बुलंदशहर के जवान सबसे ज्यादा सेना में हैं। बुलंदशहर के जवान डिफेंस कॉरिडोर में तोप बनाएंगे और फिर यही तोप पाकिस्तान के बॉर्डर पर गरजेगी। सब दंगाइयों को भरपाई देनी होगी, बुलडोजर नहीं रुकेगा। हम दोनों हुनर रखते हैं, हमारे पास विकास और बुलडोजर दोनों है। पहले की पार्टी के मुख्यमंत्री बंगले में रहते थे, हमने गरीबों को 45 लाख मकान दिए, 15 करोड़ों को फ्री में राशन और 2 करोड़ को शौचालय दिया। इससे पहले ये विकास का पैसा समाजवादी इत्र वाले मित्र के घर पैसा जाता था और इत्र पैसे से समाजवादी यूरोप का टूर करते थे। नाम समाजवादी और काम परिवारवादी दंगाइयों को पता था कि यह बुलडोजर घर तक पहुंच जाएगा, इसलिए पिछले 5 सालों में दंगे नहीं हुए। आप सबसे भाजपा के लिए वोट मांगो। लाल टोपी का मतलब रेड अलर्ट है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भाजपा को वोट देने के लिए मैसेज करें। लाल टोपी वालों से सावधान रहना चाहिए। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, कहते थे कि वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन तो बीजेपी का वैक्सीन है, आप सब ने वैक्सीन लेकर के अपने को तो कोरोना से बचाया ही बचाया, उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा भी दिया कि मोदी वैक्सीन ही सही, लेकिन यह देश कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में विजयी बनेगा। और जैसे आप में से 100% लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर वैक्सीन की पहली डोज ले ली है, 70% से अधिक लोगों ने दोनों डोज ले ली है, वैसे ही भाइयों बहनों चुनाव में भी एक जोरदार डोज देने की आवश्यकता है कि 100% वोट कमल निशान पर जाएगा। भाइयों बहनों 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के दो जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, इस सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था, हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था, दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो उन दंगाइयों के खिलाफ आलो आवाज उठा रहा था, उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेलों के अंदर बंद किया जा रहा था। और दिल्ली वाला लड़का तमाशा बना के तब भी कहता था अरे दंगाइयों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनका बचाव तब भी कर रहे थे। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है, माल तो वही, पुराना सड़ा गला माल है।
जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे।